सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है वो मेरे कॉलेज एमएनआईटी जयपुर से रिलेटेड होने वाला है। तो गाइस, मैंने एक पोस्ट किया था यूट्यूब पे कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए कॉलेज के रिलेटेड। तो गाइस, आपने कमेंट सेक्शन में पूछा और डीएम भी किया काफ़ी लोगों ने, तो मैंने सोचा चलो एक स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं और सारे डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर गाइस कोई चैनल पे नया है तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम सोएब अख्तर है और मैं अभी करेंटली थर्ड ईयर पे मूव कर चुका हूँ और मेरा ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है। और गाइस, मैं आज जो भी आंसर करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ माई टू ईयर एक्सपीरियंस और ये किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस आंसर्स नहीं होगा। तो आप एट द एंड आप डिसीजन ले पाओ कि यार मुझे एमएनआईटी पे जाना है या नहीं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आर्यन सिंह ने, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्लीज भैया, मेक वन कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग एवरीथिंग, बी इट कोडिंग, कल्चर, स्पोर्ट्स, मैथ्स, जयपुर सिटी अपॉर्चुनिटीज, लाइब्रेरी, कॉलेज लाइफ इटीसी। तो गाइस, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया है जिससे मुझे लगता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी मैं बीच बीच में थोड़ा सा डालते रहूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला है कोडिंग कल्चर। कोडिंग कल्चर एमएनआईटी में कैसा है? सो वन वर्ड में अगर बोलना है तो मैं एवरेज बोलूँगा, अगर 10 में से रेटिंग करना है तो 6 बोलूँगा, ठीक है? अब देखो यार, कोडिंग कल्चर 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक, सबसे पहला कि कॉलेज वाला का इनपुट क्या है, ठीक है? कॉलेज वाला तो सोसाइटीज़ और क्लब्स बना सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट वो स्टूडेंट्स ही हैंडल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, स्टूडेंट्स वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तभी वो अच्छा बनेगा। तो वो चीज़ें यार ठीक है, कुछ दिनों तक एक्टिव रहती है। जैसे आप जैसे ही एंटर करोगे तो एक महीने के लिए वो चीज़ें काफ़ी एक्टिव रहती है, जिससे एक चीज़ तो होता है कि आपके लिंकअप्स बन जाते हैं, चाहे वो सीनियर से हो चाहे वो आपके सेम बैच के बच्चे हों, तो एक लिंकअप तो बना देता है स्टार्टिंग में एक महीना एक्टिव रह के, जो कि मेन काम कर देता है आपका, ठीक है? तो उसके कारण आप समझ सकते हो कि आपका इंटरेस्ट के बंदे कौन हैं, किससे क्या पूछना है, और सीनियर्स बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। आप अपना कनेक्शन अच्छा रखें सीनियर से, वो आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको गाइड करेंगे कि किस टाइम पे कैसा एक एक्शन लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट कब बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे आप सीनियर्स से कॉन्टैक्ट अच्छा रखे, ठीक है? और यार एक चीज़ मैं बोलूँगा कि एट द लास्ट आपके बैच वाले ही मतलब मेन रोल प्ले करते हैं ना। आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने बैच वाले से बिताओगे तो अपने बैच में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका भी इंटरेस्ट है, उनसे आप कॉन्टैक्ट अच्छा रखें और मतलब एक सर्कल क्रिएट कर लो जिसमें आपका डिस्कशन ज़्यादातर मेजरली ये सब चीज़ों पर हो, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। मेरे कॉलेज की बात करो तो सही है यार, काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और अच्छा बहुत हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, लाइक प्लेसमेंट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, इंटर्नशिप वाइज, बहुत सारी चीज़ें बातें होते हैं। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, कॉलेज वाले अपना 100% देते हैं बट एट लास्ट वो फिर स्टूडेंट्स पे ही आ जाता है। तो सो गाइस, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्पोर्ट्स। तो हमारे कॉलेज काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को मतलब 365 डेज एक्टिव रखते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है वो होता है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। क्रिकेट लाइक मैं उतना नहीं देखा हूँ, आपको खुद खेलना पड़ेगा। अगर खुद खेलना है डेली तो आपके हॉस्टल से आप वही खुद का बैट, खुद का बॉल लेके जा सकते हो और खेल सकते हो। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको वो ट्रायल्स में सेलेक्ट होना पड़ेगा और फिर आप खेलोगे तो शायद उस समय आपको बैट बॉल मिलता है, ठीक है? तो वो, और वो डेली प्रैक्टिस नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जब प्रैक्टिस होता है, ठीक है? फुटबॉल में भी वही सेम चीज़ है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर खेलते हो तब आपको सारा कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे खेलना है तो फिर आपको खुद का फुटबॉल होना चाहिए। वॉलीबॉल का भी सेम चीज़ है, बैडमिंटन का भी सेम चीज़ है, उसमें शटल कॉक मिलता है लेकिन रैकेट आपका खुद का होना चाहिए, वो सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और पहले यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि जब 2 कोर्ट थे तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, लेकिन अब 6 कोर्ट हो गए हैं तो हमें वेट नहीं करना पड़ता है और हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है कि चलो यार सही है। इंडोर स्पोर्ट्स में बात करूँ जो एक्टिव रहता है वो है टेबल टेनिस। वो हॉस्टल्स में भी होते हैं तो बहुत रातों रातों तक टेबल टेनिस चलते ही रहता है। चेस भी होते हैं, वो भी हॉस्टल कॉमन रूम में होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो आपको हॉस्टल के कॉमन रूम में मिल जाएगा खेलने को, इंडोर स्पोर्ट्स में, और मेन जहाँ खेलने को जाना है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद स्पोर्ट्स में जिम अगर बात करो तो यार जिम का जो टाइमिंग है वो 6 बजे शाम से और 8 बजे तक होता है शाम तक, और सुबह का बात करो तो सुबह भी 6 बजे से 8 बजे तक सुबह को होता है, ठीक है?
और बाहर में भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन है तो। सामने ही है गोल्ड जिम, वहाँ पे आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो यार स्पोर्ट्स का अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप जैसे ही एंटर करोगे कॉलेज तो उसी टाइम लाइक आपको मेल आ जाएगा कि हाँ इस डे पे इस स्पोर्ट्स का सिलेक्शन होने वाला है, तो आप जाना वहाँ ट्रायल्स के लिए। एक ही दिन में सिलेक्शन नहीं होता, आपको पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। उसी में देख लेते हैं विद इन अ वीक और टू वीक्स आपको देख लेते हैं कि हाँ कौन कौन बंदा इंटरेस्टेड है और खेल सकता है, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू होता है लाइक 15-20 डेज, और अगर आप मतलब पहले दो वीक तक पता चल जाता है कि हाँ कौन खेल सही खेलेगा तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और लेकिन अगर आपका डेडिकेशन रहा कि हाँ मुझे खेलना है तो आप पूरा एंड तक रहना तो नज़र में आ जाओगे, तो वो आपको ले लेते हैं, ठीक है, किसी ना किसी पोजीशन पे ले लेते हैं, तो वो इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार एक चीज़ बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आपके सारे में घुस मत जाना, एक दो ज़्यादा से ज़्यादा दो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना और दोनों में ट्रायल देना, अच्छे से देना, और उसी को पूरा साल आप खेलने वाले हो, एक ही स्पोर्ट्स खेलने वाले हो, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे स्पोर्ट्स खेल लोगे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज लाइफ। तो यार हमारे कॉलेज में लाइक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे इवेंट्स का मैं नाम बताता हूँ, जैसे यूथ फेस्ट हो गया, डांडिया नाइट हो गया, डीजे नाइट हो गया, और फिर ब्रांच डे होता है, हर सारे ब्रांचेस का अलग अलग डे होता है, तो वो भी अच्छे लेवल पे बनाया जाता है। और जो मेन फेस्ट है जैसे ब्लिट्सलैग और स्फिंक्स जो कि टेक्निकल फेस्ट है, ये सारे भी एक ग्रैंड लेवल पे होता है, अच्छे खासे लेवल पे, तो आपको मज़ा आने वाला है, बस आप मेमोरीज क्रिएट करते जाना। सो गाइज अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि क्या है। ये तीसरा पॉइंट है मैस। देखो यार मैस जैसे आप स्टार्टिंग में आओगे तो आपको कुछ हॉस्टल्स के मैस बहुत अच्छे मिलेंगे और कुछ का आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार उतना सही नहीं है, तो एक टाइम के बाद आपको फिर ये फीलिंग ख़त्म हो जाने वाला है और आपको सारा मैस एक ही जैसा लगेगा। यही चीज़ स्पेशल है कि कोई भी आपको ऐसा सुपीरियर नहीं लगेगा और सभी एक ही जैसा खाना देते हैं। और यार मैस से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बस ठीक ठाक। मुझे तो दिन का खाना सही लगता है, सुबह का नाश्ता सही लगता है, लेकिन रात को मेरा एकदम ही सही नहीं होता, तो मैं रात को ज़्यादातर मंगा लेता हूँ या फिर बाहर जाके खा लेता हूँ, तो मैस यार इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। थर्ड पॉइंट है जयपुर सिटी। तो यार सबसे मेन पॉइंट जो है एमिनिटी जयपुर का वो है इसका सिटी और इसका लोकेशन। लाइक आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है इसका, ऐसा लोकेशन है। तो मुझे सबसे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि लाइक मुझे कहीं भी घूमने जाना हो या फिर कुछ शॉपिंग करना हो तो बहुत सामने है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइक मॉल्स है वगैरह सब कुछ है, तो आप लोकेशन वाइज तो बहुत सही है और एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक कॉलेज लाइफ को बहुत बेस्ट बना सकते हो, तो यार बहुत सही चीज़ है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी यार सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन होता है और अपना आईडी कार्ड दिखा के आप मैक्सिमम 4 बुक्स ले सकते हो और थ्रू आउट द सेमेस्टर उस बुक्स को रख सकते हो। और आपको अगर कुछ नया बुक्स चाहिए तो आपको वो बुक कोई भी बुक एक्सचेंज में ही मिलेगा, ठीक है। और आपको एकेडमिक से हट के बहुत कम बुक्स मिलेंगे, लाइक एकेडमिक्स वाइज तो सारे बुक्स इधर मिल जाएंगे आपको, तो बस यही था लाइब्रेरी। सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है रुद्र प्रताप सिंह ने। तो इन्होंने पूछा है कि भाई क्या NIT में लेक्चर के टाइम फ़ोन एंड लैपटॉप अलाउ होता है? तो गाइज इसका आंसर है हाँ होता है, लेकिन यूज़ कब करना है ये प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि अगर मान लो कुछ इम्पॉर्टेंट काम है जो उनको करवाना हो या फिर कुछ PDF शेयर किए हैं तो आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हो या लैपटॉप का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ले तो जा सकते हो लेक्चर हॉल, बट उसे यूज़ आप ब्रेक टाइम पे कर सकते हो, लेकिन क्लास में जब यूज़ करना हो तो प्रोफेसर का परमिशन होना चाहिए। सो गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जो पूछा है अगेन रुद्र प्रताप सिंह ने। इन्होंने पूछा है कि बॉयज़ टू गर्ल रेशियो क्या है कॉलेज में? सो गाइस ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था, तो यार इसका आंसर मैं यही बोलूँगा कि ब्रांचेस पर डिपेंड करता है। अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का रेशियो 5:1 है, और वहीं CSE केमिकल और भी कुछ ब्रांचेस में 3:1 का रेशियो है, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। बट डोंट वरी गाइस, लड़की आपको एक ही चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मतलब इन अ हेल्दी वे। और गाइस मेरा स्टोरेज अब फुल होने वाला है, तो मैंने जितने भी कमेंट सेक्शन पे थे उनका डाउट तो मैंने आई थिंक सो सॉल्व कर दिया है अपने तरफ से, और अगर आपको और भी डाउट होगा तो आप
पूछ लीजिएगा। इसका मैं पार्ट टू तो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे डीएम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टिल देन बाय।